Hello and welcome to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट एरे डेटा इनटू पीएचपी MySQL टेबल। तो इसमें मैं कोड पीएचपी यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम न्यू फाइल में जो है वो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना। यहाँ पर सिंपल इसके HTML टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग और बॉडी का स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग लगाना। ये वाले टैग लगाने के बाद इसमें हम एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं ये CSS लाइब्रेरी जो है वो बुलमा की ऐड कर रहा हूँ HTML टेबल क्रिएट करने के लिए। आप सकते ऐप या कुछ और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बुलमा में पर सबसे पहले सेक्शन का टैग लगा रहा हूँ। HTML फाइल में होता है सेक्शन का टैग, तो इसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट की है कंटेनर की। उसके अंदर आपने जो है वो इस तरह से टाइटल लगाना, पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है। उसका एक्शन जो है वो कुछ नहीं रखना, आपने मेथड पोस्ट और इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट किया है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले H1 टाइटल का टैग लगाया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स को भी लगाऊंगा और उसके अंदर हम जो है वो 5 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे अरे टाइप के। वो अरे टाइप के इस तरह से होंगे कि उनकी जो हर इनपुट टाइप टेक्स्ट की जो नेम है वो अरे टाइप का होगा। यहाँ पर लेबल लगाना है, लेबल क्लास लेबल क्वेश्चन नंबर 1। और नेक्स्ट इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास देनी है आपने। क्लास के बाद नेम देना, यहाँ पर नेम txt क्वेश्चन और आगे हमने ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी तरह से हमने इसको सेव कर लेना है। पहले इसका एक आपने नाम देना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट अरे डॉट php। सेव करने के बाद मैं आपको ब्राउज़र में एक दफ़ा डिस्प्ले करवा देता हूँ कि ये कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपने पाथ देना है इसका लोकल होस्ट स्लैश डायरेक्टरी फोल्डर नेम और स्लैश फाइल का नाम। तो देखें इस तरह से 5 और 4 और बनाने हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं इसको लिख को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करते जाता हूँ। नाम हमने वही रहने देना और ये टाइप का जो भी होगा वो उसका नाम सेम ही होगा। 5 टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आपको नीचे एक बटन लगाना है सबमिट टाइप का, क्योंकि हम इसको कोर पी एच पी में कर रहे हैं। jQuery में भी आप कर सकते हैं इसको एजाज के साथ। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सबमिट और बटन की क्लास के बाद बटन का जो नाम और वैल्यू देनी बटन को। ये देखें यहाँ पर ये बॉक्स जो छोटे नज़र आ रहे हैं इसकी हम क्लास जो है मेन क्लास इस मल्टी लाइन ख़त्म करते हैं, अभी भी छोटे हैं। और कॉलम से जो है कॉलम कर देते हैं। ये देखिए आप ठीक है, इसके मतलब फॉर्म रेडी है। मैं एक MySQL में डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर टेस्ट नाम की डेटाबेस है, इसमें मैं क्वेश्चन लिस्ट नाम का टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल में सिंपली मैं 3 जो है वो कॉलम फील्ड लूँगा, कॉलम नेम ID क्वेश्चन और डेट टाइम। इसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट कर देना। वाचर डेटा टाइप को 300 में यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसके बाद डेट टाइम
डे टाइम को आप करंट टाइम स्टैम्प भी कर सकते हैं, अगर ये आप किस तरह से एंटी ना रहे एंटी हो। अब हम नया टॉप पर गया, वो पीएचपी का कोड लिखता हूँ इसी पेज के अंदर। और यहाँ पर एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ माई एस क्यू एल कनेक्ट फंक्शन यूज करते हुए। इसमें चार पैरामीटर आते हैं, लोकल होस्ट, सेकंड आता है रूट, यूजर नेम रूट है यहाँ पर तो रूट आएगा यहाँ पर यूजर नेम, थर्ड में पासवर्ड आता है और फोर्थ में डेटाबेस का नाम आता है। तो यहाँ पर मेरे पास लोकल होस्ट में डेटाबेस का पासवर्ड है। और यहाँ पर हमने आर डाई डाई करके यहाँ पर हमने फेल टू कनेक्ट विद डेटाबेस कर देना। और यहाँ पे एफ ई सेट पोस्ट लगाना है, इसको आप हम नीचे भी लगा सकते हैं या इसको आप कनेक्शन वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, सारे कोड के अंदर आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट करना है क्वेश्चन नाम का, जिसमें हमने पोस्ट टीएक्सटी क्वेश्चन जो है वो डाल देना नेम टेक्स्ट बॉक्सेस के। उसके बाद डेट टाइप का एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें डेट फंक्शन लगा के इसमें जो डेट हमने डेटाबेस में इंसर्ट करवानी है। उसके बाद फॉर ईच लूप लगानी है, फॉर ईच लूप में क्वेश्चन जो है वो अरे आ जाएगी आइटम आएगी और इसके अंदर हमने दो एक इंसर्ट की भी लगानी है सिंपल और इसको एग्जीक्यूट करवाना। वीडियो को स्टॉप करके तो मैं सारा कोड यहाँ पे लिखता हूँ आप वीडियो को शार्ट करने के लिए। तो ये देखें इंसर्ट की भी है और दो पैरा उसमें कॉलम नेम और दो इसमें वेरिएबल है। उसके बाद क्योंकि एग्जीक्यूट करवाई इफ आर रिजल्ट तो आउटपुट रिजल्ट हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे टॉप पे वेरिएबल में आ रहा हूँ आउटपुट का और यहाँ नीचे इसको मैं एग्जीक्यूट इसको जो है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो सिंपली अब हमने पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पे जो है वो फॉर्म को सबमिट करना, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, फोर एंड फाइव, पाँच के पाँच टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाटा फिल करके उसको आपने सबमिट करना है। तो ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में भी मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रिफ्रेश करके यहाँ पे जो है वो फॉर्म को सबमिट करना, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, फोर एंड फाइव, पांच के पांच टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाटा फिल करके उसको आपने सबमिट करना है। तो ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में भी मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।